हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आज एक ऐसी पिक्चर के बारे में बात करना चाहता हूँ जो कि बहुत कमाल की फिल्म बनाई थी। आज उस फिल्म को 23 इयर्स उसको पूरे हो गए हैं। आप सोचिए 23 साल हो गए उस पिक्चर को। और दोस्तों, इस पिक्चर का नाम था वास्तव द रियलिटी, और इसमें संजय दत्त साहब थे। और ये संजय दत्त साहब को जब कैद हुई थी और कैद से जो बाइज्जत रिहा हुए उसके बाद ये उनकी पहली पिक्चर है। और सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि ये पिक्चर में संजय दत्त को फिल्म फेयर मिला और बहुत उनको नॉमिनेशन मिले और बहुत अवार्ड मिले। और उन्होंने काम ऐसा किया कि ये उनकी करियर का एक हाई पॉइंट है ये पिक्चर जो है वास्तव। और ये महेश मांजरेकर ने बहुत अच्छी बनाई थी फिल्म। इस पिक्चर में इतना रियलिटी है कि जिसको बयान नहीं कर सकते। अब दोस्तों, मैं ऐसा था कि उस वक्त जब हम काम कर रहे थे तो जिस जिसके साथ काम कर रहे थे वो उसकी फिल्म सुपर डुपर हो रही थी, और मैं उसमें अपने आप को अकेला क्रेडिट नहीं देना चाहता। मैं उसमें अपने पार्टनर को भी उतना ही क्रेडिट दूंगा, क्योंकि हम लोग दोनों जब काम कर रहे थे तो जिसके साथ काम कर रहे थे उसकी फिल्में सुपर डुपर हो रही थी। उसमें आप करण जौहर जी देखिए, या आदित्य चोपड़ा साहब देखिए, या संजय लीला भंसाली देखिए, या महेश मांजकर देखिए, या फिर आप अनीस बज्मी देखिए, उनकी पिक्चर थी प्यार तो होना ही था। तो ये सारी पिक्चरें, और अजीज मिर्जा साहब की पहली पिक्चर राजू बन गया जेंटलमैन, उसमें शाहरुख खान साहब हुए, या फिर उनकी पहली पिक्चर सलमान साहब की प्यार किया तो डरना क्या, और अजय देवगन साहब की थी प्यार तो होना ही था। ये सारी पिक्चर चल रही थी, और उसी दौर संजय दत्त साहब की ये आ गई पिक्चर हमारे पास, और ये भी सुपर डुपर हिट हो गई। तो वो जो हम लोग के जो जो क्या बोलते हैं, जो ग्रह मिल रहे थे ना, केमिस्ट्री, वो बहुत वर्क कर रही थी। और मैं उस वक्त सारे डायरेक्टर्स जो हैं हमारे, उनको भी मैं बहुत क्रेडिट दूंगा, क्योंकि उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। दोस्तों, इस पिक्चर की एक तो कहानी आप देखिए कि कहानी में बहुत रियलिटी है। उसमें उन्होंने ऐसा शॉर्टकट कहीं नहीं मारा है कि भाई बस ये पिक्चर चल जाए हमारी। एकदम जो महेश मांजरेकर ने जो कहानी का जो रुख पकड़ा है वो पूरा एंड तक निभाया है, और वो बहुत क्रेडिटेबल बात होती है दोस्तों। क्योंकि संजय दत्त साहब इतने वक्त के बाद उन्होंने काम किया, और वो काम उन्होंने बहुत दिल से किया, और उनको फिल्म वालों ने हाथों हाथ लिया है। अवार्ड्स वालों ने उनको इतना प्रोत्साहन दिया और बहुत करेक्ट दिया, क्योंकि उन्होंने काम बहुत अच्छा किया। अब दोस्तों, इसमें काफी गाने हैं पिक्चर में। एक आरती है वो जो जय देव जय देव जय अंगल मूर्ति, इस तरह का एक बहुत बड़ा ह्यूज कहानी वो है। और इसमें फिर एक रोमांटिक गाना है जो कि बहुत पसंद है मुझे, सोनू निगम ने बहुत अच्छा गाया है। वाह वाह वाह, आप ये गाना सुनिएगा, मुझे भी बहुत गाना पसंद है, और स्विट्जरलैंड में रिकॉर्ड किया है। मेरी दुनिया है तुझ में कहीं, मेरी दुनिया है तुझ में कहीं, तेरी जान में मेरी जान है ओ साथी मेरे, तेरी दुनिया है तुझ में कहीं, तेरे बिन क्या कुछ भी नहीं। अब देखिए मुखड़ा ही कितना मेलोडियस है। अब दोस्तों, इसमें एक ऐसा था गाना कि महेश मांजरेकर मेरे सिटिंग में आए, तो मैं अकेला ही बैठा था, सिटिंग मीटिंग खत्म हो गई थी, वो आके बैठ गए थे। तो बोले, मैं बोला, अरे महेश भाई आप कमाल कर दिया आपने, आप आए। बोले, नहीं मैं चाय पीने आया हूँ, म्यूजिक व्यूजिक कुछ बात नहीं करेंगे। तो मैं बोला, अच्छा चलिए चाय पीते हैं। तो हालांकि वक्त तो 7:30 था, चाय का वक्त तो निकल चुका था, लेकिन मैंने चाय उनके लिए बनवाई और चाय पी। बोले, देख जतिन यार, एक गाना है मुझे बहुत पसंद है, गोविंदा आला रे आला। और ये गाना जो है
ऐसा कोई सा वो गोविंदा का हंडिया नहीं होती जिसमें लोग गाते नहीं है। मेरे को वो उस लेवल का एक गाना चाहिए। अगर उस लेवल का होता है तो मजा आएगा यार, नहीं तो तुम्हें बोला ये तो बहुत चैलेंजिंग बात आपने कही है महेश भाई, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। और दोस्तों फिर बहुत मैंने ट्यूने बनाई, ललित को भी सुनाई, और बैठा रहता था जब भी खाली हो जाता था ये गाना बजता, तो एक गाना बना। गाना अफकोर्स उसको विनोद राठौड़ ने गाया है, क्योंकि विनोद राठौड़ संजय दत्त साहब के लिए गाने लगा था और विनोद राठौड़ मुझे बहुत पसंद है। लेकिन रफी साहब तो फिर रफी साहब है, गोविंदा आलम तो रफी साहब है, लेकिन विनोद राठौड़ का भी आप ये गाना सुनिए और उसको किस तरह से गवाया है आपको देखिएगा, और गाने की कंपोजिशन भी सुनिएगा। आया गोकुल का चोर, आज हम दोनों मस्ती करेगा। हर तरफ है ये शोर, आया गोकुल का चोर, आज हम दोनों मस्ती करेगा। ओ कहीं मटकी तोड़े कहीं नैना जोड़े रे, कहीं मटकी तोड़े कहीं नैना जोड़े, आज गड़बड़ घोटाला चलेगा। हर तरफ है ये शोर, आया गोकुल का चोर, आज हम दोनों मस्ती करेगा। ओ कहीं मटकी तोड़े कहीं नैना जोड़े रे, कहीं मटकी तोड़े कहीं नैना जोड़े, आज गड़बड़ घोटाला चलेगा। हर घड़ी इस गली बात अपनी चली, बोल हो गया अपना ही बोल बाला रे, हो गया अपना ही बोल बाला। जोश में होश का दोस्तों काम क्या, हमसे टक्कर ना ले कोई साला, हमसे टक्कर ना ले कोई साला। हाँ हम सब हैं दिल के राजे, अपना ही डंका बाजे, अपना ही सिक्का चलेगा। हर तरफ है ये शोर, आया गोकुल का चोर, आज मिलजुल के मस्ती करेगा। ओ कहीं मटकी तोड़े कहीं नैना जोड़े रे, कहीं मटकी तोड़े है कहीं नैना जोड़े, आज गड़बड़ घोटाला चलेगा। दोस्तों अब इसमें जो मैं रिपीटेशन कर रहा हूँ वो कोरस का है, और आप ये गाना सुनिए, इसको इतना अच्छा हम लोगों ने सनी साउंड में रिकॉर्ड किया, इतना बड़ा साउंड है इसका, और ये गाना बहुत बहुत गूंजता है दोस्तों। और दोस्तों ये फिल्म में पहले कोई और लिरिक्स राइटर था, फिर इसमें लिरिक्स राइटर भी चेंज हुआ, और एक 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 पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आ गया कि संजय दत्त साहब खुद सिटिंग में आने लग गए, और उनका अपना इतना इंटरेस्ट था। उस दौरान मेरी संजय दत्त से बहुत लाइकिंग बढ़ गई, और मुझे ये महसूस हुआ कि ये आदमी दिल का बहुत अच्छा है, और उनको संजय दत्त साहब को रिदम का बहुत बहुत अच्छा सेंस है, वो कुछ ड्रम बजाते हैं और गाते भी अच्छे हैं। उन्होंने तो हमारा एक गाना भी गाया है, ए शिवानी तू बनती है नानी, आप खूबसूरत पिक्चर का गाना आप सुनिएगा जरूर। और संजय दत्त के साथ ऐसा हुआ कि यूएस में एक बार वो आए थे, तो मैंने उनको फोन किया था कि संजय बाबा हम लोग मिलते हैं, हम लोग डिनर करेंगे साथ में, और ये तो उन्होंने बोला मैं जरूर आता जतिन, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ कुछ अपॉइंटमेंट्स है मेरे डॉक्टर से, मैं उनसे मिल के बॉम्बे चला जाऊंगा। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, वो काम पहले आप कर लीजिए, और वो फिर, और हमेशा उनसे जब भी मिलते हैं जहां भी मिलते हैं बहुत प्यार से मिलते हैं, बहुत दिल के अच्छे हैं। एक बार तो उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि जतिन तेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू कभी कोई प्रॉब्लम हो तू मेरे पास आ जा, मैं तेरे को पिक्चरों में फिल्मों में गाने करने हैं मैं वो कर दूंगा, तुझे और कोई चीज करना है तो मैं वो करूंगा। तो
तो इतना बोलना उनके लिए बहुत और बड़ी बात है। बस सिर्फ एक मुझे हल्का सा दुख ये है कि एक बार महेश मांजरेकर जी हमारे पास आए थे और वो फिल्म थोड़ी छोटी थी लेकिन उन्होंने अच्छी बनाई थी। तो हमको बोला जतिन ललित मुझे यार एक साथ वन गो में गाने करने हैं, तुम लोग कर दोगे क्या? तो वो फिल्म हम नहीं कर सके क्योंकि हम लोग बहुत बिजी हो गए थे, बहुत ज्यादा काम हमारे सर पे आ गया था। एक के बाद एक, एक के बाद फिल्में आती जा रही थी और सारी फिल्में फ्लोर पे थी, ऐसा नहीं कि शूटिंग होने वाली है। तो फिर उनको बहुत प्यार से मैंने बोला कि देखिए महेश भाई, ये आपकी पिक्चर है, ये पिक्चर में अगर आपका काम वन गो में नहीं हुआ तो आपको तकलीफ हो जाएगी, इसलिए मैं बोलता हूँ कि नेक्स्ट पिक्चर करते हैं। फिर उनके बाद तो फिर उन्होंने फिल्में भी कम बनाई और वो फिर खुद एक बहुत अच्छे करेक्टर एक्टर बन गए और बहुत उनको एक्टिंग सूट होती है, मैं तो उनको हमेशा लाइक करता हूँ। फिर एक दो बार हमने उनसे मिलने भी गए थे, वो कहीं शूटिंग कर रहे थे तो उनसे मुलाकात हुई और बहुत हल्दी बातें हुई। लेकिन अब दोस्तों ऐसा माहौल हो गया है कि अब देखिए ये पिक्चर जो मैंने आपसे जिक्र की है वास्तव ये हार्डकोर क्राइम बेस्ड फिल्म है, लेकिन इसको म्यूजिकल हमने बनाया, एक इसमें इतना अच्छा रोमांटिक गाना डाला, ये हर तरफ है शोर, इतना अच्छा गाना है और बाकी भी इसमें गाने जो हैं बहुत अच्छे हैं और इसका म्यूजिक चला भी है और ये नॉमिनेशन में भी आया था ये, और उसी तरह हुआ कि फिर ये हमको अवार्ड मिला नहीं। दोस्तों एक बहुत बड़े एक्टर रहे, उनके सामने मैंने बोला कि हमको अवार्ड मिलता नहीं है आप हमेशा, तो वो अवार्ड तो उन्होंने दिलवा दिया एक, हमको स्क्रीन अवार्ड मिल गया था और वो अवार्ड हमको दिलीप साहब और सायरा जी ने जरूर हमारे लिए जिक्र किया होगा, तभी वो अवार्ड हमको मिला। लेकिन दोस्तों उन्होंने साथ साथ में ये भी कहा कि देखो बेटा काम ऐसा करो कि काम दुनिया के सर पे चढ़ के बोले, अवार्ड किसको मिला है किसको नहीं मिला है लोग भूल जाते हैं लेकिन अच्छा काम नहीं भूलते। तो दोस्तों ये बात तो हुई हमारे साथ, आज भी हमारे जो हमारा म्यूजिक है 90s का वो एक 90s का लोग दौर बताने लगे हैं कि 90s का म्यूजिक क्या होता था, 90s और 90s में हम लोग थे, नदीम श्रवण थे और आनंद मिलिंद थे, लेकिन उनका सबका अलग अलग स्टाइल था, हम लोग का मेलोडीज ज्यादा होता था। तो वो भी सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि अच्छा म्यूजिक कर गए। आज भी एक लड़का मुझसे कम से कम 20 मिनट एक ही फिल्म की बात कर रहा था, यस बॉस क्या म्यूजिक है आपका उसमें क्या, मैं बोला भैया हमने तो सब में ही अच्छी कोशिश की। खामोशी द म्यूजिकल का भी म्यूजिक आप कभी सुनिए, देखिए कितना खूबसूरत म्यूजिक है उसमें, एक से एक गाना है। मैं हुआ तो नेक्स्ट एपिसोड अपना खामोशी द म्यूजिकल में बताऊंगा क्योंकि उसमें सबसे अच्छी बात है कि उसमें संजय लीला भंसाली साहब है और वो खुद म्यूजिक डायरेक्टर हैं आज के डेट में और उनका क्या जहन है मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप मुझसे जुड़िए, अपने कमेंट्स मुझे भेजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और दोस्तों मेरे चैनल को शेयर भी करिए ताकि लोग ज्यादा जुड़े, मुझे भी जोश आए करने का। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ अभी मेरा जखीरा शुरू हुआ है, इसमें बहुत कुछ है आपको देने के लिए और मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे जरूर आपको दूंगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू।